अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शहर के नालों में क्या बहता है तो जाहिर है आप गंदा सा चेहरा बना लेंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां नालियों में सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि सोना चांदी भी बहता है। ऐसा देखने को मिला है दुनिया के सबसे अमीर देशों की फहरिस्त में शामिल स्विट्जरलैंड में, जहां अमीरी का आलम कुछ इस कदर छलकता है कि यहां गंदी नालियों की सफाई में सोने चांदी बरामद होते हैं। जानकारी के मुताबिक शोधकर्ताओं ने यहां के कचरे के पाइप से करीब 3 टन चांदी और 43 किलो सोना खोज निकाला है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब वहां की सरकार की ओर से एक रिसर्च किया गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक कुछ ऐसे पुरुष और महिलाएं होती हैं जो किसी वजह से अपने सोने चांदी के गहने टॉयलेट में छुपा देते हैं या फिर बहा देते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड सरकार के अनुसार कचरे में मिलने वाले सोने चांदी के छोटे टुकड़े घड़ी और दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ ही अन्य रासायनिक कारखानों से निकलते हैं। इन जगहों पर इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है। इस बात की भनक लगते ही यहाँ के लोग अपने घरों के आसपास की नालियों की सफाई करने लगे। हालांकि लोगों को कुछ भी हाथ लगता उससे पहले ही शोधकर्ता इसको साफ कर चुके थे। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।